नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं रुचित जैन फ्रॉम 5 पैसा और इस वीडियो में मैं आपको 5 मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में अपडेट करूंगा। जैसे आप जानते हैं, रोज की तरह हम शुरुआत करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बाद। उसके बाद 5 स्टॉक जो टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, और उसके बाद हमारे प्रीवियस कॉल्स के अपडेट्स और जो भी स्टॉक्स इन न्यूज है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स के साथ। निफ्टी का पहला सपोर्ट लेवल है आज का 22,000 का, फिर 21,950 का। रेजिस्टेंस है 22,290 और 22,350 पे। बैंक निफ्टी के इंट्राडे सपोर्ट पहला है 47,170 पे, फिर 47,030 के अराउंड है। रेजिस्टेंस 47,760 के फर्स्ट है और 47,900 के सेकंड रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं 7 to 10 days के टाइम फ्रेम के लिए। सबसे पहला पिक HDFC AMC। स्टॉक रिसेंटली एक कंसोलिडेशन फेज के थ्रू गया है, अब अच्छे वॉल्यूम से वापस से बाउंस बैक आ रहा है, वो भी सपोर्ट के आसपास से। तो 3618 के स्टॉप लॉस से HDFC AMC में बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। 3840 के पहले टारगेट्स, फिर 3950 के सेकंड टारगेट्स रहेंगे। HAL यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट डिफेंस स्टॉक्स अभी भी अच्छे कर रहे, करेक्टिव फेज में भी आउट परफॉर्मेंस है, मोमेंटम काफी बुलिश है। 3629 के स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकते हैं 3815 के पहले टारगेट्स के लिए और 3908 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। पतंजलि पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में रिवर्सल आया है, वो भी उसके सपोर्ट के आसपास से। 1353 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं 1465 के पहले टारगेट्स और 1522 के दूसरे टारगेट्स के लिए। संधार ये एक ब्रेकआउट के वर्ज पर है, अगर फॉलो अप मूव अच्छा रहता है तो अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक में भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। 503 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए देख सकते हैं स्टॉक को। 555 और 581 ये 2 टारगेट स्टॉक के लिए रहेंगे। हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, वैसे तो पूरा सेक्टर बजिंग है, 199 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो 189 के स्टॉप लॉस से बाइंग के लिए देख सकते हैं। 210 और 218 ये 2 टारगेट स्टॉक में रहेंगे। अब पिछले जो सेशन में हमने ट्रेडिंग कॉल्स दिए थे उसमें ONGC में काफी अच्छा मूव आया, 4-5% स्टॉक चला और फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, लेकिन गुजरात गैस इतना नहीं चल पाया और वहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब आते हैं स्टॉक्स इन न्यूज, कुछ स्टॉक्स जो न्यूज में। सबसे पहले सनटेक रियल्टी की स्टॉक का बिजनेस अपडेट कंपनी का आया है, जिसमें Q4 प्री सेल्स जंप हुआ है 678 करोड़ को। प्री सेल्स पूरे हर ईयर का देखे, फाइनेंशियल ईयर का, तो 20% YoY इंक्रीज हुआ है 1915 करोड़, लेकिन कलेक्शंस थोड़े से डिक्लाइन हुए 10% से 296 करोड़ पे, और पूरे साल के अगर कलेक्शंस देखे तो 1236 करोड़ के रहे। शिल्पा मेडिकर भी एक अच्छे न्यूज फ्लोज में रहा है कि जहाँ पे उनके यूनिट 4 तेलंगाना के उनको यूरोपियन GMP सर्टिफिकेशन रिसीव हुआ है एक सक्सेसफुल इंस्पेक्शन के बाद में। अब ये इंस्पेक्शन के कारण कंपनी को मेडिसिन सप्लाई करने का यूरोपियन यूनिट के, इस यूनिट से यूरोपियन कंट्रीज में मेडिसिन सप्लाई अच्छे से कर सकेंगे। आंध्रा पेपर, अब यहाँ पे ऑपरेशंस आंध्रा पेपर के कड़ियम यूनिट आर सस्पेंडेड ड्यू टू लैक ऑफ पल्प सप्लाई राजमंड्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। द कंपनी ने कहा है कि वो वर्क कर रही है और ये इश्यू बहुत ही जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें ज्यादा अपडेट्स के लिए।